तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जानवरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं यार, कि बहुत ज़्यादा जानवर मर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से क्या क्या बीमारियां आ गई हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसे जो जानवर जो इस वक्त बीमार खड़े हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से जस्ट गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके बारे में। तो ये देखें ना, ये बहुत ही इसकी हड्डियाँ बाहर निकली हुई हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा दूध वगैरह भी पीता है, तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अब अगर इसको उठाने की कोशिश करें तो ये खड़ा भी नहीं हो सकता। चलो ठीक है, मैं इसको उठाने की ट्राई करता हूँ जी। तो गाइस, इसको उठाने की काफ़ी ज़्यादा ट्राई की है, लेकिन ये खड़ा नहीं हो सका। बीमारी भी इतनी हद से ज़्यादा तजावज़ कर गई है ना। अगर मैं एक डॉग की आपको वीडियो दिखाऊं, डॉग का चेहरा दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। इधर ये आप इस वक्त देख सकते हैं ना, इसके जो डॉग है ना, कुत्ता, इसके कानों पर भी कोई बीमारी वगैरह लगी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़ख़म है। ये देखें इधर, ये इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, जो इसका मसला है ना, इस जैसा मसला इस गाय को भी है। ये देखें, ये भी बीमार पड़ी है। मतलब ये कहने का ये है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हद से तजावज़ कर गई हैं, लेकिन लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये जो तीन चार भैंसें बैठी हैं ना, ये इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं। तो हालांकि जो जगह है ना इनकी, ये भी बिल्कुल साफ़ है, ये आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, जगह बिल्कुल साफ़ है, लेकिन इसके बावजूद भी बीमारियां हद से ज़्यादा तजावज़ कर गई हैं। और अगर इधर थोड़ा सा जायज़ा लें तो ये जानवर ठीक खड़े हैं। बकरियां वगैरह हो गई, बकरियों को कुछ कीड़े वगैरह पड़ गए हैं, तो ये कुछ ठीक खड़े हैं। ये जानवर बिल्कुल इस वक्त ठीक खड़े हैं नाज़रीन। तो गाइस ये देखें, बकरियां भी ठीक हैं, बिल्कुल ही ठीक खड़ी हैं। ये जानवर इजीली खड़े हैं, इनको हवा भी थोड़ी थोड़ी क्रॉस होती है, लेकिन अगर मतलब है ना, ये जो जानवर खड़े हैं ना, इधर से कोई थोड़ा सा हवा का इंतज़ाम बन जाए ना, तो दीवार को थोड़ा सा गिरा दिया जाए, तो फिर इनको इधर से हवा भी क्रॉस हो जाएगी, मतलब इनको बेहतर हवा लगेगी। तो ये इतनी डर गई है, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। तो दूसरा, ये मैं ये सोचता हूँ कि ये कहीं भाग ना जाए, तो इसी वजह से वीडियो को मतलब बाहर की जानब लेकर जाते हैं कैमरे को, तो बाहर का थोड़ा सा सीन दिखाते हैं। आए, बाहर आ गए हैं अब हम। तो नाज़रीन, ये है हमारे यूट्यूब चैनल की आज की थी वीडियो, एक छोटी सी मैसेज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया होगा।